वेलकम बैक टू माई चैनल छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये जो ब्लॉग है मैं छोटा पैकेट पे से ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कहीं और डालने के लिए और मेरे को ये बनानी थी वीडियो, तो मैंने कहा चल कोई नहीं छोटा पैकेट पे डालते हैं। तो आज कुछ स्पेशल दिन है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप मिस्टर दीपांशु दीवान को तो जानते ही होंगे, आपने वीडियो में भी देखा होगा या उनके ब्लॉग में भी देखा होगा जो पार्टी दिया है उनको उसने। तो आज मैं आई हूँ उनके घर पे, मतलब उनके जीजू के घर पे, और यहाँ पे मैं सरप्राइज प्लान किया था, सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। सागर भैया ने, मतलब उनके जो बड़े भैया हैं सागर भैया, उन्होंने और मैंने मिलके बहुत बड़े सरप्राइज प्लान किया था। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने की, जो सोचा था वो हो गया प्लान। अब देखते हैं, वो अभी यहाँ पे आने वाले हैं और मैंने बोला कि मैं ऑफिस में हूँ, शूट कर रही हूँ, मैं नहीं आने वाली। पर उसे नहीं पता कि मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे आ चुकी हूँ। ये बात सिर्फ सागर भैया को पता है, मुझे पता है। अब दीदी और जीजू को पता लग गया है यहाँ पे हूँ, तो मैं दीदी और जीजू से आपको मिलवाती हूँ उनके, ठीक है? पहले तो मैं यहाँ पर हूँ, तो जो यहाँ पर अवेलेबल है मैं उनसे मिलवा दूँगी, बाद में पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी धीरे धीरे करके, ठीक है? ये है दीपांशु की दीदी, छोटी मेरी एक और दीदी है, उनको मैं बहुत मिस कर रही हूँ, वो यहाँ नहीं आ पाई किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो भी आने वाली थी। ये प्रेरणा दी है, दीपांशु की दीदी है, और यहाँ पे हम सरप्राइज बर्थडे सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो ये मेरा साथ देंगे इसमें, ठीक है? मैं यार इनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, सिर्फ सागर भी यार मुझे पता था, इतने दिन से हम ही प्लान कर रहे थे। अभी सरप्राइज तो जो आने वाला है उनके लिए भी होने वाला है, क्योंकि बहुत तगड़ा सरप्राइज करने वाली हूँ। आई होप सो उसको पसंद आए, उसका क्या रिएक्शन आएगा मुझे कुछ नहीं पता, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है? और अभी मैं मिलवाती हूँ, तो जो जो आएगा मैं उनसे मिलवा दूंगी। सागर भैया दीपांशु को लेके आने वाले हैं। क्या आएगी क्या? तो आ जाओ, ये है जीजू प्रेरणा दी के हस्बैंड, दीपांशु की जीजू, तो मेरी भी जीजू है। तो ये इनका बेटा है, छोटा सा क्यूट सा बेबी। हम भाई के बच्चे के लिए पूरे बैलून्स लाने जा रहे हैं, ये पूरा सब कुछ मेरे साथ दे रहा है। उनको बिल्कुल इतनी सी भनक नहीं कि मैं यहाँ पे, और हम इतना प्लान कर रहे हैं, ठीक है? फिर अभी तो हम डेकोरेट करने जा रहे हैं, बाकी वो आएंगे जैसे ही, तो मैं कैमरा ऑन करवा दूंगी। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, एक सरप्राइज है, ट्विस्ट, मतलब की एक है जो मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी, पर मैं कर दिया मैंने, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? तो अभी तो टाइम कितना हो रहा है, 10 मिनट है, और वो मेरे ख्याल से सागर भैया उनको लेके 11:30 तक आएंगे, फिर हम 12 बजे सरप्राइज पूरा दिखाने वाले हैं। वैसे तो मेरे को देख के सरप्राइज हो जाएंगे पहले, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं शूट पे हूँ, तो कोई पता नहीं है क्या होने वाला है। तो अभी तो यही फैमिली में यही लोग अवेलेबल है, अगर हम वहाँ जाते सागर भैया घर, तो मैं मम्मी पापा सबसे मिलवाती, मतलब पूरे इन लोग मेजो इन लोग फैमिली से सबसे मिलवाती। बाकी अब देखते हैं, जैसे ही आते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? उसी टाइम पता चलेगा। मेरी तो अभी हार्ट बीट इतनी तेज है, मैं मतलब अपने बर्थडे से, मेरा बर्थडे भी 22 अक्टूबर है, बट अपने बर्थडे से एक्साइटमेंट मुझे इनके बर्थडे की बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने बर्थडे मेरे को लगता है मेरा बर्थडे है ही नहीं, मुझे अभी भी इतना वो हो रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, मतलब जो मैं चीज़ कर रही हूँ ये तो अभी तो नहीं बता सकती, पर क्या रिएक्शन वाला है ये नहीं बता मुझे। यहाँ भी मतलब यहाँ आते आते पहले मैंने बोला कि मैं ऑफिस में शूट कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ आते आते सागर भैया ने मुझे बोला कि आप मुझे बाहर मिल जाना, मैं आपको, मैंने कहा ठीक है आप केक ले जाना, मैं घर से रेडी होके आऊँगी। अब उनकी गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, रिक्शा से आई, फिर यहाँ पे बाहर जीजू मिले, वो मेरे को यहाँ लेके आए,
थोड़ा तैयार हुई हूँ। अब देखते हैं, जैसे वो आते हैं थोड़ी एक्साइटमेंट, मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ रही है, क्या होने वाला है बाकी देखते हैं। अभी एंट्री होने वाली है, बेल बजी है अभी, क्या सागर भी आऊँ, पता नहीं सागर भैया के साथ दीपांशु शायद होंगे, पता नहीं, कोई नहीं पता। अभी डोर ओपन होने वाला है, देखते हैं सामने कौन आता है। पहले क्या हुआ, कहाँ जाऊँ, नीचे आ रहे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या कहाँ जाना है, घर पर यहाँ आ रहे हैं ना, 12 बजे आना है, गिफ्ट तो बाद में चलो। अरे सही है, मैं लड़ाई करवाएंगे तो, मेरी भड़का रखा इन्होंने। यहाँ से मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी दीपांशु थोड़ी देर में यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सीधा 12 बजे आऊंगी, वो मुझे सागर भैया लेके जाएंगे, तो इसलिए मैं अब सागर भैया के घर जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ही बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, तो दीपांशु सीधा यहीं आएंगे, ठीक है, और मैं आऊंगी सीधा 12 बजे, सरप्राइज। और ये इतने महाराजा से भड़का के आए पूरा कि नहीं आती, मेरी बंदी होती तो आती, ये सब खोल के भड़का दिया बहुत बुरी तरह, वो गुस्सा तो होगा पर बताएगा नहीं, ठीक है, बाद में जो गुस्सा होगा बाद में निकाल लेगा, चलो बाकी वीडियो बाद में। सपने की जगह 2, ये यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं सकती अगर आपने चिकन और अंडा खाया है। तो मैं सागर भैया के घर आ गई, पर उनके मम्मी पापा से नहीं मिलवा सकती, जो दीपांशु के बड़े मम्मी पापा हैं, मैं उनसे नहीं मिलवा सकती क्योंकि वो वीडियो में नहीं आ सकते, मना किया, नहीं तो मैं मिलवाती, ताकि अपनी मदर इन लॉ से जो मम्मी है उनसे मैं मिलवाऊंगी जब वो यहाँ पे आएंगी। वो अभी ना अपनी मतलब कि मासी के घर गए हैं, मतलब दीपांशु के मासी के घर गए हैं अपनी बहन के घर, तो जैसे ही वो आएंगी मैं उनसे मिलवाऊंगी। तो अब तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब मैं 12 बजे जाऊँगी शायद वहाँ पे, अभी टाइम तो टाइम क्या हो रहा है, 11 पूरे 11 बज गए, पूरा 1 घंटा है, पूरा 1 घंटा है। सो गाइस अब जा रहे हैं दोबारा जीजू के घर, प्रेरणा नदी के घर जा रहे हैं, 12 बजने में सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं, पूरे 12 बजे हमला बोलना है उधर, तो बड़े मम्मी बड़े पापा मेरे साथ हैं, पर उनको दिखा नहीं सकती, दिखाऊँ आपको दिखाती हूँ, चलो ये बड़ी मम्मी सागर भैया की मम्मी है और दीपांशु की बड़ी मम्मी है, अभी तो आप इनसे मिल लो, सागर भैया की कॉल आई कि आ जाओ, मेरे खिलाफ़ भड़का रहे हैं बहुत बुरी तरह कि मैं नहीं आई, मेरे को आना चाहिए था, ये वो बैठे बैठे भड़का रहे हैं उधर, 12 बजे बेल बजेगी, मैं सामने पता नहीं क्या रिएक्शन आने वाला है, एक्साइटमेंट और डर भी लग रहा है मुझे। आप चलो पहले आगे फिर मैं जाती हूँ। रवि फोन करके आ रही, मैं अभी शूट कर रही हूं।
सीन सुन, मैंने तो लेने जाना था गाजपुरी सैलून में, दिए गाड़ी बंद, इसके बोला भैया मैं कैसे जाऊँ, मैंने बस इनको बोला इसको ऑटो करवा, बेचारी ऑटो में सामान भी और केक का, ऑटो नहीं हुआ, ऑटो हुआ ही नहीं, इसका बैग इतना बड़ा है, बैग हाथ में नहीं घूम, बैग वैग सब वो ई रिक्शा किया, अच्छा ई रिक्शा आयो, ई रिक्शा पे आई, ऑटो नहीं मिला, ये अंदर कमरे में बंद थी, नहीं घर पे थी, मैं घर पे थी, पहले यहीं पे थी, उसी के चेहरे को खा गया, मैं कहा मिलवा दे, अच्छा किचन पे मिलवाऊंगा, मिलवाया नहीं, मैं कहा मिलवाया पहले, मिल गया मिलेगा जवाब तेरा, क्या अब देंगे, अब उस कहले अंदर करवाएंगे, तो बंदा कमाएगा आ गया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ओ तेरी टू यू, बोल के नहीं बेच मार दिया, हैप्पी बर्थडे, उससे लगे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ और नहीं है क्या, ये मामू, मामू को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मामू को, मामू को छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना बच्चों, ये पंप जैसे पैनल खुलेगा यहाँ हवा, धन्यवाद, अबे क्या हो गया, बारह बज गए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पहले खाएगा उसके बाद निकालेगा, जैसा खाने के साथ करता है वैसे इसके साथ करेगा, अगला जाना खाओ, खाओ और खिलाओ, हाँ खाओ और खिलाओ, खाओ और खिलाओ, अरे एग्लेस उमियों का एक होगा भाई, कौन खाएगा, खा के बता दो फिर आता है उसको, खिला तू खा लेना उसके बाद, इसको भूख लग रही, खिलाना इन चारा, ये कह रहा मैं खिला दूँ, चंदो नीचे उतरो, काट साइड से, काट साइड से, काट, निकालो ऐसे, निकालो ऐसे, निकालो, अरे निकालो यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोल लो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, पता नहीं है क्या है, हैप्पी बर्थडे, देखो वीडियो, मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लग गया, पहले बोलो तो सही से, आइस केक, आइस केक, भाई पहले बोलो तो पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा तुम्हें, अरे भाई
बोलूं कैसे इसको। गिफ्ट आ गया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। ये डब्बा मेरा था वापस कर दिया मेरे को। डब्बा साफ कर मेरा डब्बा छोड़ दे इसको। सबको प्रैंक करवाता है ना तू, हैं? फोन करने साबुन की टिक्का देता है ना तू? नहीं नहीं, ये सबको प्रैंक ही बनाए, प्रैंक करता है ना, सबको डब्बे देता है साबुन के। दीपांशु का अरमान सपना टूट चूर हो गया। दीपांशु अभी करने वाला था, मेरी सिम निकालो फटाफट। फिर ने कहा रहन दो उसी में, रहन दो। अभी पैंक के दिखाने हैं, पैंट के भी दिखाने साथ में। ब्लॉग में पैंट दिखाएगा नहीं, अभी पैंट दिखाएगा, अभी पैंट दिखाएगा ब्लॉग में। क्या पता, मैं तो अपने अकॉर्डिंग लेके आई, मुझे नहीं पता साइज मेरा, मैंने पूछा तुमने बताया नहीं। नहीं छोटी कम है, मुझे क्या पता, मैंने मैं लड़की नहीं हूं। ओ भाई साहब, दिखाइयो 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 दिखाइयो, ये इससे अच्छा बड़ा गिफ्ट, इससे अच्छा बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, इससे लड़की हो गया, इससे अच्छा गिफ्ट भाई के लिए कोई नहीं हो सकता। भाई से शक्ल देख के दिया, मजाक नहीं कर रहा यार, तेरे हरकतें देख के दिया। ऐसे नहीं खोलने ये तो शक्ल लिख के दिया गिफ्ट पक्का। पता नहीं साइज मुझे, बहुत बढ़िया, ये है, ये है अच्छा, ये साइज तो बड़ा है, ये अच्छा है, ये लगी जाए, चलो जींस चेंज हो जाएगी, वो मेरे को मैं बोलूं ठीक है, 30 डेज है रिप्लेसमेंट। हैप्पी बर्थडे टू यू, भाई ले ले बर्थडे गिफ्ट ही ले रहा, एक ही बार गिफ्ट ले ले, देख रहे हो कह रही गिफ्ट ले ले भाई, मेरा ये वही थैला है, तो ले तो ले भाई, देख तो ले, गिफ्ट तो ले यार, गिफ्ट तो गिफ्ट है, कहाँ से लिखा है, कहीं नाम लिखा है, इसी से लेके आया था वो भी। अरे गिफ्ट तो ले ले, अगली गिफ्ट ले नहीं रहा, ऐसे इज्जत देख लो इतनी, चल ठीक है सिमरन, मैं क्यों बताऊं, खुद देखो ना, सिमरन उसको नहीं चाहिए ना, बोल रहा यार इतनी इज्जत तो होनी चाहिए, गिफ्ट नहीं तो बोल रहा, हाथ में पकड़ भाई, खड़ा हो, खड़ा हाथ पकड़, चल लेता सिमरन, मारू मजाक उड़ा तो रहा, अरे नहीं गिफ्ट ले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, निकालो निकालो, हैप्पी बर्थडे निकालो भाई, गिफ्ट बाहर निकालो, गिफ्ट निकालो, गिफ्ट निकालो, 13 Pro Max, अरे फोन गिफ्ट निकाल भाई, गिफ्ट निकाल भाई, ऐसे नहीं निकाल उसको, बेइज्जती करवा रही यार, निकाल निकाल गिफ्ट निकाल, गिफ्ट निकाल, तो ये लो, हैप्पी बर्थडे, आप बोलो लगे थे, हैप्पी बर्थडे,
हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा का है भाई? मेरा ये तेरा ये। अब ठीक है? अब ठीक है, अब तो खुश हो जाओ। अभी मजाक ये मजा, अभी भी मजाक कर रहा है यार। भाई अब तो कुछ हो जा। अबे भाई ये ले, वो उनका है 12 प्रो मैक्स से, वो 13 है तेरा प्रो मैक्स 256 GB 256। हां अभी यकीन नहीं, अब दो तीन बार पैकिंग पर नहीं यकीन हो रहा, यही था जो चेक कर रहा हूं, मेरा ये नहीं है। चल ठीक है, किराए पे ला दे अभी तो। अबे राजे तो मंगवाया था, लाओ अभी तो भाई राजे से मंगवाया था, मजाक नहीं। सर बताओ उधार पे लेके आया, कल वापस करना। सैंपल का फोन है ये, नमस्ते बोल रहा है तो सैंपल के फोन नमस्ते नहीं बोलते क्या? रिचार्ज मार दे तो, जब तू 6 साल पुराना फोन रिचार्ज मार के दे देता, हम ये नहीं कर सकते? मेरे फोन का है तो। हाँ हाँ बता यार, क्या बता सही में तुम्हारा की बोतल दे दी, थैला इसका है। अब तो ठीक है, क्या हो गया? शौक लग गया इसको। अब आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच्ची है ना? मतलब सही तो है, दिखे बता के सही बता दे राजा देखे क्या? राजा देखे क्या? अल्लाह मार दिया। तो ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, बाकी इनसे पूछो ये मनाएंगे नहीं मनाएंगे, आगे व्लॉग बनाते नहीं है ना, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। वो लोग ये बताएंगे कि मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। बनाना चाहिए ना, फर्स्ट व्लॉग है, आगे भी बनाना चाहिए ना। बर्थडे का था, मैंने स्पेशल बनाया पूरा व्लॉग, ये अभी डलने के बाद देखने वाले हैं, अभी नहीं पता मैंने कैसे क्या करना है। मैं अगर 15 तारीख से बनाती ना, 15 तारीख से बनाती ना तो बहुत बड़ा हो जाता व्लॉग। वो मैं अभी आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा कि मैं कितना कैसे है, बट ठीक है वो उसके बाद आगे से व्लॉग इस पे नहीं आएंगे। अगर बनाने लग गए तो एक अलग से व्लॉग चैनल में ओपन करूंगी, बाकी मेरे चैलेंज का था अभी बस कोई चैनल था ब्लॉग का, तो मैं ये ब्लॉग इस पर डाल दूँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका पे। अगर आप बोलोगे डिमांड पर, मैं सबकी कमेंट लाइक करने वाली हूँ, सबकी कमेंट देखने वाली हूँ, तो कमेंट करके स्पेशली बताना, जिसकी ज़्यादा कमेंट आएगी तो हम ब्लॉग का चैनल खोलेंगे हम दोनों। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका कैसे? नहीं मुँह पर बढ़ जाएगा। नहीं ये जाते जाते मारेंगे, इंट्रो नहीं होता आउटरो होता है, ये आउटरो। चलो आउटरो तो चलो, मैं पता नहीं ना, आप बताओ कैसे? चलो देखा छोटा पैकेट तुम बोलो। सो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को ज्यादा शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, देखा मुझे पता था ये करेंगे।